यही दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम पता क्या सीखने वाले हैं। अब ये फोन है मोटोरोला का GS प्लस है ये, ठीक है। अब इस फोन में ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो अभी चालू है ना, सही चलता रहेगा। इस फोन पे अगर कॉल आएगी तो ये बंद हो जाएगा, इस पे अगर आप वीडियो देखेंगे कोई तो बंद हो जाएगा, कोई गाना सुनेंगे तो बंद हो जाएगा, रिंगटोन चेंज करोगे तो बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम आपने समझ ली ना, मैं आपको देखो करके दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम है वो, ठीक है। सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद देखिए, रिंगटोन चेक करने के लिए ना रिंगटोन चेंज करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे बंद होता है और इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। और आपके पास चाहे सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, आईटेल हो, ओनर हो, टेक्नो, इन्फिनिक्स हो, कोई सा भी मॉडल हो ना, इन सब में ये प्रॉब्लम कॉमन होती है। देखो मैं ना एक रिंगटोन सेलेक्ट करता हूँ और जैसे आवाज आएगी ना फोन रिस्टार्ट हो जाएगा। देखो फोन रख दिया था ना, हो गई क्या? समझ गए ना इतना? अब इसको दोबारा ऑन करता हूँ। देखो अब इसको ऑन करो ना तो ऑन नहीं होगा, ये रिस्टार्ट रिस्टार्ट होता रहेगा। अब ये ऑन कैसे होगा बताऊँ? इसमें चार्जर लगाएंगे, जब चार्जर लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद चार्जर हटा लेंगे, फिर ये ऑन ही रहेगा। मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूँ। हमारे घर में जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड पर्सन होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना हमारे घर में, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद ये वीडियो रहेगी। आज मैं कुछ अलग ही हटके बात करने वाला हूँ मोबाइल फोन्स के बारे में। देखिए मोबाइल फोन कंपनी आया ना, सभी कंपनियां अपने मोबाइल फोन का डिस्क्लेमर देती है। डिस्क्लेमर किसे बोलते हैं बताओ? यूए वाली एड देखी होंगी आप, कंपनियां नहीं होती, लास्ट में ना एक छोटी सी पतली सी लाइन आएगी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह, या फिर आपको एक मशीन कंप्यूटराइज आवाज आएगी। वैसे तो पूरी एड में बढ़िया तरीके से एक्टर पूरी एड करेंगे अपने बिल्कुल अच्छे तरीके से, पर जब बात आती है डिस्क्लेमर की तो नीचे लिखा रहता है बहुत पतले पतले अक्षरों में, समझ में ना आए किसी के, और एक मशीन सी बोलेगी कि खेल जोखिम भरा हो सकता है, अब कृपया आपने रिस्क पे खेल, इतनी जल्दी बोल जाता है। कभी कभी तो हमको लगता है कि ये ऐसे बोल रहा है कि जल्दी खेले वरना आपका नंबर नहीं आ पाएगा, चक्कर में कई बंदे जल्दी खेलना शुरू कर देते हैं उसको, है ना। प्रॉब्लम तो आप समझ ही गए थे इसमें क्या है, ठीक है। चार्जर लगा के अगर रिंगटोन गाना वाना बजाएंगे तो सही चलेगा, अगर चार्जर हटाने के बाद ये प्रॉब्लम आती है मोबाइल फोन्स में। ये मोटो का तो GS प्लस है ये, तो आपके पास कोई सा भी मॉडल हो, सबका जो सॉल्यूशन होता है ना वो इस तरीके का होता है। मैं पंखा तो बंद करना ही पड़ता है भाई, नहीं तो ना आवाज नहीं आएगी फिर आपको, तो गर्मी लगे कोई नहीं है। सबसे पहले तो हम खोल लेते हैं, देखो कितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन करूंगा मैं आपके सामने, फ्री करेंगे यार। कभी कभी ना चीज सामने रखी होती है और नजर नहीं आती। इस फोन को मैं बिंदास तरीके से ठीक करके दिखाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे जो बात कर रहा था ना डिस्क्लेमर की, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। देखो मोटरोला वालों का क्या कहना है, देखो ये फोन खोलता भी रहूंगा और डिस्क्लेमर के बारे में और बता देता हूँ। इस तरीके से वो एड वाली कंपनियां जो डिस्क्लेमर देती है ना, उसी तरीके से ना मोबाइल फोन के ऊपर भी एक रूल लागू होता है कि वो भी अपना डिस्क्लेमर दें। सेटिंग में जाएंगे, स्टंग में जाएंगे, उसके बाद अबाउट फोन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ नीचे देखना, यहाँ पे कहीं होगा कंपनी है ना, अलग अलग अपना अबाउट के अंदर डिस्क्लेमर देती है। देखो ये रहा रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस पे टिक किया। अभी देखिए ये डिस्क्लेमर है। अब इस डिस्क्लेमर को मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, आप वीडियो रोक के भी देख सकते हो। ये डिस्क्लेमर भाई पढ़ता कौन आज के टाइम पे, किसके पास टाइम है ये चीजें पढ़ने का? आपको बताऊं आजकल है ना भाई, इंसान की जान की कीमत नहीं रह गई है, आजकल पैसों की कीमत है। अगर लोग वक्त पागल होकर खरीद रहे हैं तो वो डिस्क्लेमर पे इतना विश्वास नहीं रखते, पब्लिक के सामने डिस्क्लेमर आ नहीं पाता, इसलिए वो चीजों को बेझिझक खरीदते भी हैं और यूज भी करते हैं बिंदास। मगर मैं कहना चाहूंगा कि आप भी एक बार इस डिस्क्लेमर को पढ़ें। मैंने ये साफ साफ कहते हैं कि भैया ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं मोबाइल फोन, आप अपने शरीर से 5 मिलीमीटर दूर रखें इसको। यू आर इंटरेस्टेड इन फर्दर रिड्यूसिंग योर RF एक्सपोजर, देन यू कैन इजिली डू सो बाई लिमिटिंग योर यूसेज और सिंपली यूजिंग अ हैंड फ्री किट टू कीप द डिवाइस अवे फ्रॉम द हेड एंड बॉडी। तो इसका मतलब क्या बनता है आप खुद जानते हैं भाई, हैंड फ्री का यूज करने के लिए कह रहे हैं ये कह रहे हैं हैंड फ्री किट का यूज कीजिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है भाई इससे। आपको मैं बताऊं, देखो आपको ये आसान भाषा में समझा देता हूं, हमारा जो मोबाइल फोन होता है ना ये वायरलेस होता है। कहां तक वायरलेस है? हमारे हाथ से लेके और टावर जो लगे होते हैं ना वहां तक वायरलेस, उसके बाद दुनिया में कहीं भी वायरलेस नहीं होता, यहीं तक वायरलेस होता है। तो इतनी देर में रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए जो इसके अंदर पार्ट्स लगे होते हैं ना, इसके अंदर पार्ट्स लगे होते हैं मोबाइल फोन के अंदर, उनसे कुछ तरंगे निकलती हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब देखो सरकारों के लिए तो ये बिल्कुल ऐसा है कि भैया पैसे आने चाहिए, है ना, पब्लिक को मैं तो कहता हूँ ये बातें बतानी चाहिए। न्यूज चैनल वगैरह सब बताएं इन बातों को, मगर न्यूज चैनल तो आजकल रहे नहीं, आपको पता ही है, बताए कौन, जैसे टेक यूट्यूबर ही बताएंगे। और आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब करना फ्री है, पैसे थोड़ी लगते हैं उससे। मैंने आपको कैसे घुमाया बातों में भाई, मैं बताऊं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगा, जैसे पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा पहले लिखा होता था कि 50 मीटर से 100 मीटर तक मोबाइल फोन यूज ना करें, हादसा हो सकता है। मगर आज के टाइम आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे भाई पेट्रोल डला रहा बंदा, टंकी भले ही खुली हुई है, नोजल लगी हुई है पेट्रोल की वहीं पेटीएम और फोन पे चला रहा होता है, वहीं आदान प्रदान चल रहा होता है उनका पैसों का।
अब कहाँ चली गई है ऐसी वाली गाइडलाइंस, है ना। तो अब कहाँ चली गई ऐसी वाली गाइडलाइंस, भाई इनकी पैसा आ रहा है ना, तो पब्लिक मर रही है, मरने तो प्रोडक्ट बिकना चाहिए मार्केट में, चीजें कंपनियां करती हैं। अच्छा अब देखो ये डिस्क्लेमर है ना, पूरा पढ़ लेना रोक के, ये देखो बिल्कुल साफ मैंने आपको दिखा दिया, इसको पूरा पढ़ लेना, बहुत जरूरी है। और आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हो ना, उनके लिए ऐसी बात बताऊंगा आज जो पूरे इंटरनेट पर कोई नहीं बताएगा आपको। अब मैं इसका देखो बैटरी का तार हटा रहा हूँ, हटा दिया मैंने कि बैटरी हटाते हैं, ये पहली बार खुल रही है इसकी बैटरी है। अच्छा अब अपने पॉइंट पे आते हैं, बड़े बुजुर्ग अगर हमारे घर में है ना कोई, तो उनको आप कोशिश करो कि उनको बोलो भाई, जैसे कि जेब होती है ना, तो जेब में मोबाइल फोन यहाँ ना रखें, जहाँ छाती पे तो जेब लगी हो ना उस पे मोबाइल ना रखें, आप कोशिश करें वो दूर रखें। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने ऐसे कर दिया थोड़ा सा। इसमें क्या काम करना है मेरे को, कस्टमर से ना दुकानदार जो 100 150 रुपये 200 रुपये ले लेगा ना इस काम के, तो कोई बात नहीं, वो दे देना उसको, तो खोलने का भी भैया चार्ज वगैरह होता है ना। और मगर जो बंदा ये बोले ना भैया मदरबोर्ड चेंज होगा, जैसे सर्विस सेंटर में होता, भाई भाई मदरबोर्ड चेंज होगा इसका, 8,000 रुपये लगेंगे 7,000 रुपये लगेंगे, वो ऐसे कह के आपको फंसाते हैं, वो गलत हो जाता भाई। ऐसे ऐसे मत करो, दुकानदार से भी बोलना चाहूंगा भाई ऐसे मत बोला करो कि 3,000 लगेंगे 2,000 लगेंगे। फ्यूज है ना, देखो मैं जो अभी कर रहा हूँ आपके सामने, बस इसको हटाना होता है और आपका फोन ठीक हो जाना है। एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी हटा दिया। वे जो हमारे फोन को जो लोड नहीं ले पा रहा था ना, वो इसकी वजह से नहीं ले पा रहा था, ठीक है। बार इसको भी हम, मतलब इसको, इसका थोड़ा सा टुकड़ा टूट के अंदर रह गया, तो इसको भी साफ कर लेंगे, पूरा हट गया ना। अब इसमें पता क्या करना है, तो जरूरत पड़ेगी एक जम्पर वायर की, देखो तो इसमें कोई खर्चा तो होगा नहीं, दुकान वाले, दुकान वाले भी जो भाई देखते हैं ना, तो सीख लो भाई, यही यही सोल्यूशन होता है इसका। इसको मैं जम्पर वायर को थोड़ा सा छील लेता हूँ, तो यहाँ पे जम्पर वायर से मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा जिस जगह ये लगा हुआ था, मतलब कि एक तरह से पुल बना दूंगा मैं, ठीक है। पुल समझ गए ना आप, ये हमारा लग गया। ये है ना, बहुत सी दुकान वालों को पता भी नहीं होता, वो घूमते रहते हैं भाई मार्केट में, कि ये सोल्यूशन कोई करेगा तो उससे पैसे दे देंगे। इसका सोल्यूशन आपको मिल गया ना, और 100% कह रहा हूँ भाई साहब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा ना बड़े भाई के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना ना ठीक हो तो। ये जम्पर से हमने इसको शॉर्ट कर दिया, जैसे ये जो फ्यूज काम कर रहा था ना, ऐसा हमारा रेजिस्टर बोलते हैं, ये करता है कि बैटरी के जो ओवर वोल्टेज हो जाती है ना उसको रोक देता है ये, ठीक है। अब जैसे लगा था ना वैसे ही लगा दो, हो गया आपका काम ये। अच्छा मैं आपको है ना कुछ बड़ों के लिए टिप्स बता रहा था भाई, सच्ची बता रहा दोस्तों, आपसे बहुत मोहब्बत है पर जरा सब्सक्राइब कर दिया बिकॉज आपने यार बहुत जल्दी, पर वरना भाई मैं अगर नेता बनू ना तो मेरे घर के 10 वोट ना मिले मुझे, सही बता रहा हूँ। अब देखो इसको मैंने ऐसे कैसे कर दिया, अब इसे ऑन करते हैं, अब ये बिना चार्जर के ऑन होगा क्या, और इसमें रिंगटोन ही बजा के दिखाएगा तुम्हारा भाई। गाना वाना तो नहीं सुनाऊंगा, गाना यार कोई पर्सनल हो किसी का, पता नहीं कुछ और बज जाए या किस भयानक भयानक आवाजें आने लग जाए, आप भी वीडियो छोड़कर चले गए, कितना बेशरम, आप भी कुछ कहने लग जाओ, पता नहीं क्या क्या दिखा दिया आज बिट्टू भाई। पहली बारी में ऑन हो जाएगा कन्फर्म है भाई साहब, चार्जर नहीं लगा रखा मैंने, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, देखो बड़े बुजुर्ग घर में है ना, तो उनको बोला भाई छाती वाली जेब में मोबाइल फोन ना रखें, धोती में, धोती में तो जेब होती नहीं यार, वैसे ताऊ होते बड़े खतरनाक है, जेब में रख लें फोन, ठीक है। और अगर वो पैंट शर्ट पहनते हैं बड़े हमारे, तो उनको बोलना भैया पैंट वाली जेब में फोन रखें, वो ऊपर की जेब में ना रखें। और जिस बंदे ने पेसमेकर लगा रखा हो ना, जो हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए होता है, किसी किसी को वाल खराब हो जाते हैं ना, तो वो पेसमेकर वगैरह का यूज करते हैं, शरीर के अंदर लगा रहती है एक मशीन छोटी सी, तो उनको बोलना चाहूंगा बिल्कुल भी मोबाइल फोन अपने यहाँ ना रखे, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल के पास में ही हूँ, क्या तो बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं मेरे पास फोन ठीक कराने के लिए, तो उनसे मैं जानकारी लेता रहता हूँ कुछ ना कुछ, मेरे अंदर चुल रहती है कि मैं कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ, तो वो मुझे ये चीजें बता देते हैं कि भाई ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसका मैं है ना एक बार पासवर्ड खोल लेता हूँ, पासवर्ड। अब देखो अब मैं इसकी घंटी बजाऊंगा, भाई साहब बंद हो जाए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और बताओ, सेटिंग में गया, साउंड में गया, उसके बाद गए हम रिंगटोन में, ठीक है। रिंगटोन में देखो, अरे यार रिंगर तो निकाल दिया, आवाज कहाँ से आएगी, रिंगर नहीं निकाला, मतलब रिंगर के पॉइंट जो होते हैं ना, ये दो ये टच होते हैं यार, और ये करना जरूरी है यार आपको चेक कराने के लिए, वरना आप कहोगे पता नहीं क्या बिट्टू भाई ने तो गेम खेली। ये लग गया, पेच बाद में लगा दूंगा, पहले मैं आपको है ना चेक करा दूंगा। देखो अब आवाज नहीं, और ये फोन बंद नहीं होगा, आवाज आवाज कुछ भी आए, अब ये बंद नहीं हो सकता, ठीक है। था आपको बड़े बुजुर्गों के लिए, उनको ये डिस्क्लेमर जरूर दिखा देना। अब देखो ये चीज ऐसी है कि हर कंपनी अपने अपने मोबाइल फोन में ये डिस्क्लेमर देती है। अब ये चीज ऐसी होगी, मान लो कि हम किसी जंगल में जा रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ था, हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया, उस पर पहुंचने के चक्कर में हम उस बोर्ड को पढ़ना भूल गए और हम जंगल के अंदर चले गए,
उस पर लिखा हुआ था भाई शेर भालुओं से सावधान रहना। अंदर गए वहां जाकर भालू शेर भालू दिख गए और उन्होंने कर दिया हमला। तो उसके बाद ये नहीं कह सकते ना कि वन विभाग वालों को हमारी सेफ्टी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो भाई वन विभाग वालों ने तो लगा रखा था, अगर उन पे कुछ केस आएगा तो वो तो सीधा बोल देंगे भैया हमने तो बोर्ड लगा रखा था, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती, तुम्हें पकड़ पकड़ के पढ़ के दिखाएंगे। ये भी हो सकती है ना। क्या करना है, देखो सेटिंग में जाओ, आपका कोई सा भी मोबाइल फोन हो, मैंने उल्टा पकड़ रखा, वैसे ही उल्टा क्यों, सीधा पकड़ रखा था यार, मैं दिमाग घूम रखा मेरा। ये हर कंपनी अपने अपने फोन में देती है डिस्क्लेमर के इस फोन से क्या नुकसान हो सकता है। तो इसको मैं तो ये बोलूंगा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों को एक लीड ला के दे दो, 25-30 रुपए की आएगी, जो बात कर लिया करें वो घंटे घंटों। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जो लगातार एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे फोन पे लगे रहते हैं ना, आजकल ऐसा होने लगा उन्हें गुस्सा जल्दी आने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, वो ऐसा होने लगा आजकल। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं फोन ठीक करता हूँ, तो मैंने रियलाइज किया कई बंदों को, यार ये बंदा तो बड़ा प्यार से बात करता था पहले, आज छोटी छोटी बातों पर इसको गुस्सा उठ जाता है क्यों। मैं देख फिर मैंने ध्यान दिया, वो बंदा भाई साहब लगा रहता फोनों पर आधा आधा एक एक घंटा। ताना कमेंट करके कि आपके हिसाब से क्या बात है, आपको क्या लगता है। मैंने मुझे लगता था जो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, हमने साथ ही इसका सोल्यूशन भी जान लिया। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।